हेलो एवरीवन। तो ये समना से कुछ मैंने एमसीक्यूज को लिया है और ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 74(1)। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 75 क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो आंसर है वो सी नंबर सही हो जाएगा, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, देखिए चार ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1975 में क्या लगा था, इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें क्या कर दिया था उन्होंने उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय की पावर उसको खत्म कर दिया था, और इसलिए यहाँ पर क्या है, विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसलिए उसे काला दिन भी कहा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चरण सिंह ने। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोई उम्र सीमा नहीं है भारत के प्रधानमंत्री की। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका भी आंसर क्या है, सी होगा। इसकी भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से उक्त के जिम्मेदार होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा के लिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन कौन हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आर के षणमुखम चेट्टी। इसको आप चेट्टी से भी याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पीटी नेहरू क्या थे, पहले विदेश मंत्री। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? पहला है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद, और तीसरा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है,
वर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? देखिए, अपशिष्ट कानून मतलब अपशिष्ट मामले क्या होते हैं? तीन सूची अपने यहाँ पर है, संघ सूची, राजवर्ती और संवर्ती सूची। राज सूची वो है जो जिसमें कौन कानून बना सकता है, राज बना सकता है। संवर्ती सूची कौन सी है जिसमें राज्य और संघ दोनों बना सकता है। संघ सूची कौन सी है जिसमें सिर्फ संघ बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन अपशिष्ट मामले मतलब वो हैं जिन्हें किस जो कोई सूची में शामिल नहीं है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। तो भाई हमने ये एमसीक्यू कर लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।